अगर कोई मेरे बच्चे ले जाए उनको पढ़ाई लिखाए तो मैं इस वक्त मजबूर हूँ, बहुत घर की कंडीशन बुरी हालत है इस वक्त, आप ये देख सकते हैं, ना मैं कोई काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, हाथ पैर हो इंसान के तो वो कोई काम कर सकता है, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं पेशा मेरा ड्राइवरी था। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज हम डिस्ट्रिक्ट रामबन में हैं और डिस्ट्रिक्ट रामबन में ही एक हमारे साथ शख्स मौजूद हैं जिनका नाम परवेज़ अहमद भट्ट है। और परवेज़ अहमद भट्ट पेशे से ड्राइवरी किया करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में जो है इन्होंने अपनी टांग गंवा दी, और टांग गंवाने के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक ही पाँव से फिर भी ये जो है ड्राइवरी करते रहे। लेकिन हालात और ऊपर वाले को ना जाने क्या मंजूर था कि फिर से इनका एक्सीडेंट हुआ और ये दूसरा पैर भी जो है ये अपाहिज हो गए और काफ़ी बुरी हालत है इनकी। और इनसे हम बात करेंगे ये सब कैसे हुआ और किस तरह का जो न्याय है ये चाहते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं कि ये जो हादसा आपके साथ हुआ, आप करते क्या थे और कैसे ये हादसा हुआ? जनाब, इसको छोड़ो, मैं परवेज़ अहमद भट्ट हूँ, मैं आर ओ चिवली बीपीओ सेनापति से बिलोंग हूँ। मैं 16/9/2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी, यूपी घाटनपुर में जी। तो 2018 में जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं बहुत इलाज कराया सर, मैंने 9.5 लाख रुपया पीजीआई चंडीगढ़ में लगाया, मेरे 6 ऑपरेशन हुए जी। 6 ऑपरेशन के बाद मेरी टांग कट गई जी। उसके बाद ऐसे करते करते सर लोगों का बहुत कर्जा हो गया। कोई इंश्योरेंस वगैरह मिला? कोई कुछ नहीं मिला मेरे को अभी तक, कोई कुछ नहीं मिला मेरे को अभी। तो उसके बाद मैंने हिम्मत हारी थी, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, मैंने एक ही पाँव से गाड़ी चलाने लगा, वो भी 10 चक्का गाड़ी। मेरी बदकिस्मती की वजह से दूसरे पाँव की भी 2 उंगलियाँ कट गई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ। आप शादीशुदा हैं? हाँ, 4 मेरे बच्चे हैं। अच्छा, 4 स्कूल में पढ़ते हैं। तो क्या किस तरह की कंडीशन है अभी घर की? घर की तो बहुत बुरी हालात है, मुझे इस वक्त 5 लाख लोगों का देना है, किसी का 20,000 किसी का 30,000, तो 5 लाख लोगों का देना है। अभी मेरा केस चल रहा है यहाँ रामबन कोर्ट में, सूर्य सिंह परियार जो हैं वो हमारे वकील हैं, वो तो चलो केस चल रहा है, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा है, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैंने अपनी बीवी जो है ना ब्लॉक का काम है घर में, वो 250-300 रुपया दिहाड़ी देते वहाँ काम करने भेजी थी। अच्छा, बच्चा मेरा जो 8th क्लास में पढ़ रहा है वो मैंने भेजा था यहाँ चंद्रकूट में काम किसी, हाँ किसी के घर में नौकरी करने, उसने बोला 4,000 रुपया मैं तनख्वाह दूंगा। अच्छा, वहाँ से भी बच्चा भाग गया है, बोला डैडी मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो इस वक्त बहुत घर की बुरी कंडीशन है। परवेज, हमने ये तक सुना है कि आप ये भी मतलब कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो कोई गोद ले लें, मतलब इस तरह की हालत हो चुकी है? और क्या, बहुत बुरी हालत होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे बच्चे ले जाए उनको पढ़ाई लिखाए तो मैं इस वक्त मजबूर हूँ, बहुत घर की कंडीशन बुरी हालत है इस वक्त, आप ये देख सकते हैं, ना मैं कोई काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, हाथ पैर हो इंसान के तो वो कोई काम कर सकता है, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं पेशा मेरा ड्राइवरी था, अब दर बदर की ठोकरें मैं भी खा रहा हूँ। कोई पेंशन वगैरह लगी आपको? पेंशन लगी है, अभी मेरे को 1 साल हो गया है, 1,000 रुपये मिलता है। आपको पता है 1,000 रुपये में क्या होता है, जहाँ 20,000 घर का खर्चा है वहाँ 1,000 का क्या क्या आता है आजकल एक। तो क्या अपील करेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है, गवर्नमेंट भी देख रही है, क्या मांग करेंगे? मैं मांग यही करता हूं कि मेरी मदद कीजिए, इस वक्त मैं मजदूर आदमी हूं, जितनी लोगों से हेल्प कर सकते हैं वो। तो दूसरी बात है कि मैंने एक टांग बनवाई थी, 2 लाख रुपये मैंने जमा करवाया था, वो भी मेरे से धोखा कर रहे हैं, उन्होंने अभी 40,000 रुपये और डिमांड किए। 2 लाख रुपये मैंने जमा किया, अभी 1.5 साल हो गया, अभी कल गया था मैं, जम्मू से आ रहा हूँ मैं, तो अभी उन्होंने 40,000 रुपया और मांगा, बोला आपका ये जो है ये कम हो गया है, ये है वो है, अभी 40,000 रुपये मांग रहे हैं, बोला कप चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने भी मेरे साथ फ्रॉड किया। कौन सी कंपनी है, कौन है, क्या है? वो उन्होंने बोला जी ये टांग हमने जर्मन से मंगाई है। अच्छा,
मैंने सोचा ठीक है अगर जर्मन से मंगाई है तो ये काम करनी चाहिए। उन्होंने बोला जी ये अपने आप मुड़ेगी, आप ड्राइवरी कर दोगे, आप ये पूरा प्लेन में चलोगे, हिल एरिया में चलोगे, काम कर पाओगे फिर से, अपनी टांगों पे खड़े हो पाओगे। हाँ जी। अच्छा, 2 लाख रुपये मैंने जमा किया, अभी वो 40 लाख रुपया मांग रहे हैं। 40,000? हाँ, 40,000 रुपया और मांग रहे हैं। 2 लाख मैंने जमा किया हुआ दे दिया उनको, अभी 40,000 के पीछे मेरी टांग वहाँ बंद है। अभी उन्होंने 10-12 दिन का टाइम दिया है मेरे को। उन्होंने बोला अगर आपको पैसे बनेंगे तो आके ले जाना हमारे से कन्फर्म करके, नहीं तो यही है सर मसला। आप भी देखो कि इस वक्त मेरी बुरी कंडीशन है, घर में कोई कमाने वाला है नहीं। तो जो मम्मी पापा भाई बहन वगैरह कुछ माँ बाप हैं वो बुजुर्ग हैं, भाई ड्राइवर है वो भी गाड़ी चला, तो उसको भी अपने बच्चे हैं, 5-6 बच्चे उसको भी घर। अब मेरे को 2 साल हो गए घर पे, तो वो अपना घर भी चला रहा है, मेरा घर भी चला रहा है। तो अब क्या है कि मैं अब आगे बच्चे नहीं पढ़ा सकता हूँ, कोई जब खर्चा ही नहीं है, 4 बच्चे कैसे पढ़ाऊंगा, कमाने वाला मैं ही था घर में। पहले ठीक चल रहा था सब? सब अच्छा चल रहा था, 20-25 हज़ार रुपये घर का खर्चा निकल रहा था, समझ लो 25-30 हज़ार रुपये मैं भी महीने का कमाता था। तो मैं यही अपील करता हूँ सब लोगों से कि मेरी इसको मदद की जाए, मैं एक मजदूर आदमी हूँ। तो इन 2 सालों में क्या क्या मतलब परेशानियाँ कि किस तरह के बदलाव हुए? परेशानियाँ मेरे को बहुत आई, सुनाओ मत कि मेरे से क्या क्या हुआ। मैंने अपने से समझ लो सब तसली कर दी। मैंने हिम्मत रखी थी कि मैं एक पाँव से इसके साथ मैं एक्सीलेटर मारता था, ब्रेक भी इसी के साथ और क्लच भी इसी के साथ। वो तो रिस्क हुआ, वो रिस्क ले रहा था मैं अपने ऊपर, अपनी जान के साथ भी और लोगों की जान के साथ भी, बिल्कुल। तो अब यही मैं अपील करना चाहता हूँ कि अब इस वक्त मेरी कंडीशन बुरी हालात है, अब ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई मदद करे तो चलो। तो परवेज़ अहमद भट्ट साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट रामन के रहने वाले हैं, और एक एक्सीडेंट में जो है देखा आपने किस तरह से इन्होंने जो अपनी टांग गंवाई, और बाद में फिर भी गैरत थी, काम करने की कोशिश की, और दूसरे पैर की भी जो है उंगलियां गंवा दी। और मुश्किल हो रहा है, जो हंसता खेलता घर इनका चल रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ जो पिछले 2 साल में जो बदलाव इनकी ज़िंदगी में आया, और अभी भी ये चाहते हैं कि अगर इनकी जो आर्टिफिशियल टांग जो है वो इनको मिले, और ये फिर से काम भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि एक अंग खोना क्या होता है। और इनको अब आप जितने भी व्यूअर्स हैं, आपकी मदद की भी ज़रूरत है, जो भी आप अपनी तरफ से जो हेल्प इनकी करना चाहते हैं, इनका अकाउंट नंबर जो है वो कैप्शन में दिया गया है, आप जो है इनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं वो इनके बच्चों का अवेल कराएं, इनकी वाइफ हैं उनको अवेल करवाएं, इनके कोई जो परिवार के सदस्य हैं उनका अवेल करवाएं, ताकि ये गवर्नमेंट का जो कुछ फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है गवर्नमेंट की? कुछ नहीं फैसिलिटी मेरे को 2 साल में कुछ नहीं मिला, वादे तो मेरे हमारे साथ बड़े किए, बोला आपको स्कूटरी मिलेगी, फार्म भी कराया जमा 2 साल हो गए, वो भी सर उन्होंने बोला कि आपको 10-15 दिन के बाद स्कूटरी आ जाएगी, वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मुझे सरकार की तरफ से, कोई हेल्प नहीं हुई। मैंने बहुत उनसे सरपंचों से रिक्वेस्ट की कि मेरी मदद को, कोई मदद नहीं, किसी ने कराई नहीं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, और ये हर जगह इसी तरह का होता है, जहाँ पे आप देखते हैं कुछ स्कूटीज दी जाती हैं, इंटरव्यूज किए जाते हैं, मीडिया में दिया जाता है, फ़ोटोज़ खिंचवाए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है, जिनको ज़रूरत होती है उन तक वो चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं पहुँचती, वो कहीं ना कहीं कागज़ों में ही जो हैं ख़त्म हो जाती हैं। और सिविल सोसाइटी जो है वो जो है काफ़ी कुछ निर्भर उन पे भी करता है, और आप जितने भी लोग श्रोता देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करें, ताकि इनका घर जो है, इनके बच्चे जो हैं वो फिर से तालीम हासिल कर सकें, स्कूल जा सकें, पढ़ सकें, और घर में कुछ जो है सिस्टम जो है इनका सुधर सके। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया, मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।